Ladies and gentlemen, we welcome you to another episode of High Voltage. And tonight, we are going to witness a special tag team match. That would be a four-way elimination tag team match for Russell Squad Tag Team Championship. आज जो होने वाला है मुकाबला फोर टीम्स एलिमिनेशन मैच होगा, जहां पर हमारे टैग टीम चैंपियंस जस्टिन फ्रिक एंड स्पीडी अपना टाइटल डिफेंड करेंगे। क्योंकि कहीं हफ्तों पहले आप लोगों ने देखा था कि जो विनिंग स्ट्रीक है जस्टिन फ्रिक की एंड स्पीडी की, वो ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है जहां पर उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया है दैट दे आर द बेस्ट टैग टीम चैंपियंस राइट नाउ, और वो अभी अनडिफीटेड है। और यहाँ पर पहली टीम जो आ रही है वो आ रही है ड्रेवन एंड डीमैन, जो कि हमारे हार्डकोर चैंपियन हैं, और ये बिल्कुल ही न्यू टैग टीम बनी है इस रसल स्क्वायर हाई वोल्टेज के अंदर। और हमने देखी थी इनकी दोस्ती जब डीमैन बने थे हार्डकोर चैंपियन, तो ड्रेवन ने ही कहीं ना कहीं उनकी मदद करी थी चैंपियनशिप बेल्ट लेने में। और आज हमें देखना होगा क्या इनकी टीम कुछ ऐसा कर पाती है कि ड्रेवन भी और जो हैं ऑलरेडी हमारे टैग टीम चैंपियन रह चुके हैं डीमैन, वो लोग यहां पर कुछ अपना संगठन करके एक न्यू टैग टीम हमको दे सकें कि नहीं। और यहां पर आते हुए बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो उन्हें प्रूव करा है वोल्टेज के अंदर, जिन्हें हमने देखा था फर्स्ट एपिसोड में अल्फा जी एंड रॉनी, बहुत ही रिमार्केबल मैच था इनके साथ, जो हमारे फॉर्मर रसल स्क्वायर के टैग टीम चैंपियन थे जिनका नाम था सिम्पसन एंड बेरमस। इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त एक लैडर मैच फर्स्ट एपिसोड में हमें दिया था, जो कि हमेशा हमारी यादों में रहेगा। बहुत ही ज़बरदस्त मैच था और इनकी परफॉर्मेंस देखनी होगी आज, और शायद ही हमारे चैंपियन बन सके। बट अभी स्क्रीन के सामने आते हुए दैट इज अवर फॉर्मर रसल स्क्वायर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द लिमिट ब्रेकर स्काइलर एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल फीमेल रेसलर ऑफ इंडिया दैट इज मोना, एंड शी इज ऑल्सो बोथ ऑफ दीज पीपल आर द टैग टीम चैंपियन। Skyler won the tag team championship 2 times with Max Rizky, and Mona became the champion with the D-Man. And look at them, they are both wearing the same t-shirt of Skyler, and tonight they are going to break all the limits by becoming the champion. So ladies and gentlemen, are you excited? Are you excited to be the part of the history of wrestling, of Indian professional wrestling? Yes. So make sure to like, comment and subscribe, and do show your love and support for Indian wrestling. And here comes hamare tag team champion Speedy and Justin Freak. Dekhiye kya stylish look ko, aur saath hi saath Russell Squire ki itni pyari belt hai tag team championship ki, unko carry kar rahe hain aaj tak ye, aur ek ke baad ek jo hai match ko jeette ja rahe hain। Isliye yahan par jo authorities hain उन्होंने इस तरह का मैच बनाया, फोर वे एलिमिनेशन मैच, जहां पर इनको अगर ये आज रिटेन करते हैं बेल्ट तो ये लेजेंडरी लिस्ट में चले जाएंगे टैग टीम चैंपियंस एज ए टैग टीम चैंपियन, जिन्होंने सारे ही मैचेस जीते हैं अभी तक। और यहां पर देखिए प्लानिंग बना रहे हैं, बट यहां पर जस्टिन फ्रिक मॉक कर रहे हैं ड्रेवन को, और ये क्या, और ये कोल्ड कॉफी या फ्रूटी पी रहे हैं, मुझे लग रहा है ड्रेवन का मजाक उड़ा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो फिनिशर में मारते हैं स्टोन कोल्ड स्टनर, जो कि बहुत ही फेमस है बियर पीने के लिए। और ये देखिए उनको ऑफर दे रहे हैं ये फ्रूटी स्पीडी, ओ बहुत ही शर्मनाक ये क्या हो रहा है यहाँ पर, बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करने में पीछे नहीं है। और यहाँ पर ड्रेवन को निशाना बना लिया है स्पीडी ने, और यहाँ पर मैच की शुरुआत होते हुए स्काइलर और ड्रेवन जो है मैच के अंदर मैच की स्टार्टिंग कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा मैं तो एक्साइटेड हूँ इस मैच को देखने के लिए, दिस इज गोइंग टू बी एपिक। एंड यहाँ पर टैग दे दिया है, टैग मिल गया है अल्फा जी को, एंड ही इज मास्टर ऑफ टेक्निकलिटी, एंड ही इज मीटिंग द एक्सपीरियंस वेटरन
of Russell Square Technical, the master of technicality, Skylar. And tonight, let's see what we going to see here. It's going to be really exciting, because when two technicians meet inside this ring, we see another level of wrestling which can't be seen in any promotion of Indian professional wrestling. और ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से एक दूसरे के जो locks हैं उसको ये reverse करके अपने आप को ऊपर रख रहे हैं ring में. ये देखिए किस तरीके से Skylar show off करते हुए अपनी कि मैंने बाजी मार ली है. And of course, he's experienced as a former tag team champion, two-time former intercontinental champion. और फिर से लॉकअप लगाते हुए यहाँ पर रिस्ट लॉक के अंदर अल्फा जी ने ले लिया है. और ये देखिए रिवर्सल करके रिस्ट लॉक में दोबारा इन्होंने अपने आप को ले लिया है. अब ये देखिए तोड़ के ये आ गए हैं फ्रंट फेस लॉक के ऊपर. अल्फा जी यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस रखते हैं हमेशा जब भी ये रिंग में उतरते हैं, अपनी टेक्निकलिटी और हाई फ्लाइंग स्पीड. ये देखिए किस तरीके से स्नैप कर दिया हाथ को, हाथ भी टूट सकता था यहाँ पर. बट Skylar जो हैं इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं कि ऐसे मूव में वो रिटायर हो जाएं. एंड नाउ Skylar इज शेकिंग द हैंड्स एंड बट अल्फा जी ने रोल अप ले लिया है एक, बट काफी नहीं होगा मैच में ये कुछ करने के लिए. और ये स्मॉल पैकेज में ले लिया है Skylar ने ओनली टू, और एक से बढ़कर एक हैं ये दोनों ही खिलाड़ी इस रिंग के अंदर. और ये देखिए किस तरीके से रंग राइजिंग ब्लड अल्फा जी और Skylar जो कि एक्सपीरियंस रेसलर है, आज हमें बहुत बढ़िया इन्होंने दिखाया. और यहाँ पर ड्रेवन को ताली दे दी है, मतलब टैग दे दी है यहाँ पर. और अब ड्रेवन और अल्फा जी इस रिंग के अंदर आमने सामने खड़े हैं. ये देखिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से साइड हेड लॉक टेक डाउन कर दिया है अल्फा जी ने और जकड़ के रखा है. अब देखना होगा कि ये पिनफॉल, ये सबमिशन या किस तरीके से पहली टीम का एलिमिनेशन होता है. बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने फिर से इनको साइड हेड लॉक ले रखा है और बिल्कुल ही डाउन रखा हुआ है ड्रेवन को. ओ माय गॉड, मुझे लगा टोर्नेडो डीडीटी आएगी, बट फिर से इन्होंने साइड टेक डाउन दे दिया है रोप पे बहुत बढ़िया स्विंग लेकर. और देखिए उस कॉर्नर में टीम है Skylar और मोना की, और एक टीम में है रॉनी और अल्फा जी, और एक टीम में है डी मैन एंड ड्रेवन जो कि अभी रिंग में है. और हमारे टैग टीम चैंपियन ऑफ कोर्स जस्टिन फ्रीक. एंड ओ व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रॉप किक. और यहाँ पर मुझे लगा डी मैन को लगा कि ड्रेवन यहाँ पर नॉकआउट हो गए हैं और हार सकते हैं, बट क्या है पहले से ही टैग ले लिया था उन्होंने. और ये क्या, यहाँ पर सारे जो टीम है रॉनी, और उन्होंने जब देखा उनके पार्टनर की पिटाई हो रही है तो वो भी आ गए. और यहाँ पर अब मुझे लगता है कोई भी रूल नहीं चल रहा, क्योंकि सारे टीम के मेंबर जो हैं यहाँ रिंग में मौजूद हो गए हैं इस समय. और ये देखिए बाहर निकाल के फेंक दिया है यहाँ पर अल्फा जी और रॉनी को. और यहाँ पर भिड़ते हुए अंदर ये देखिए टीम आ गई है मोना. ओ मोना को भी बाहर फेंक दिया है, यहाँ पर स्पीडी है. और यहाँ पर बाहर फेंक दिया है ड्रेवन स्कल को. ओ और Skylar और स्पीडी बचे हैं. ये देखिए चॉप्स, ये चॉप्स. ओ और ये ओ थर्ड रोप से बाहर फेंक दिया है यहाँ पर. और यहाँ पर मॉक करते हुए जस्टिन फ्रीक. देखना होगा ये किसको बाहर फेंकते हैं रिंग से, या खुद ही गिरते हैं. और ये खुद ही गिर गए हैं और Skylar भी इनको लेके गिर चुके हैं. और यहाँ पर मोना स्पीडी को चॉप मार रही हैं, बट कोई फायदा नहीं. यहाँ पर रिंग के अंदर तो अभी मौजूद हो गए हैं दोबारा अल्फा जी और रॉनी रिंग में. ये टैग टीम मुकाबला हो रहे, ये क्या रोप पे से
बहुत जबरदस्त टॉपिक एंड हिलो, डबल टॉपिक एंड हिलो कर दिया है, हैरान कर दिया है यहाँ पर जितने भी दर्शक बैठे हैं, मेरे को और आप सभी को हैरान कर दिया है। यहाँ पर इतना जबरदस्त एक्शन मैंने पहली बार देखा है टैग टीम मुकाबले के अंदर, और इनका पूरा क्रेडिट्स मिलता है अल्फा जी और रोनी को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इतने हाई रिस्क देने के लिए। मुझे लगता है इन्हीं को हमारा टैग टीम चैंपियन बनना चाहिए। दैट मूव वी हैव सॉ दैट वाज टॉप रॉप टॉपिक एंड हीलो एंड अल्फा जी एंड रोनी इज टोटल इन कंट्रोल एंड ड्रेवन एंड रोनी आर द लीगल मैन राइट नाउ and they have destroyed every wrestler was standing outside and Alphaji was going on the top but the speedy pushed him from the back and he fell on his face, he might have broken his jaw and referee is checking on him and speedy is the legal man now and speedy is targeting the left the right arm of Ronnie here viciously, like we always see him that whenever he is in the ring he shows his brutality, his aggression, and he try to break the arm and the leg of his opponents, although he stands only 5 feet and 8 feet tall, but when he is inside the ring, no matter if your opponent is big or small, he always target and make the body weak, and both the teammates are going for a beautiful combination. That is the suplex, handling Ronnie beautifully, but Ronnie kicked out on 2, though but he kick out kar diya hai bahar support karte hue Alpha ji. बहुत ही उम्दे तरीके से इन्होंने अभी मैच खेला है, यहाँ पर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। ओ रनिंग साइड अपरकट लगा दी है कॉर्नर में रिंग के, और यहाँ पर ऊपर चढ़ा दिया है रोनी को। मुझे लगता है बहुत ही हाई रिस्क मूव हमें देखने को मिलने वाला है। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिए, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से ब्लॉकबस्टर, डबल ब्लॉकबस्टर यहाँ पर दे दिया है रोनी ने। पूरा ही गेम का मोमेंटम चेंज कर दिया है, नक्शा बदल दिया है। मुझे लगा था रोनी को दोनों मिलके जो है नीचे फेंकेंगे, बट यहाँ पर क्या हुआ, मजा ही आ गया। ब्लॉकबस्टर लगा दी है रॉप पे से, और यहाँ पर अल्फा जी को टैग मिलने के बाद ये देखिए अल्फा जी आ गए हैं ये अपना कमाल दिखाने के लिए। वो बहुत जबरदस्त तरीके से नेक ब्रेकर एंड DDT, ये देखिए धुलाई कर दी है सबकी, ड्रेवन की भी धुलाई कर दी है, और यहाँ पर डीमन वो मारने की कोशिश करते हैं, इंजुगिरी मार दी है यहाँ पर, क्या आवाज आई है शानदार, और यहाँ पर सबको अल्फा जी ने धो दिया ही अकेले, और ये हमारे मैच के अक्षय कुमार बन गए हैं, खिलाड़ी बन गए हैं यहाँ पर। और बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि ये अगर सिंगल फॉल का मैच होता तो ये अभी टैग टीम चैंपियन बन चुके होते हैं। और ये देखिए मुझे लगता है रोनी ने उठा लिया है, ओ ये देखिए आंख में मुद्रण कर दी है, आंख में आई रेक कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर स्पीडी ने टैग दे दिया है मोना को। मोना अब हो गई है लीगल वुमेन इस मैच की, और मोना जो है ओनली फीमेल रेसलर है एक्टिव यहाँ पर, जो कि सबसे ज्यादा मैच खेली है इंडिया के अंदर, और यहाँ पर स्विंग कर दिया है मोना ने, और ये देखिए लेग पुल कर दी है ड्रेवन स्कल ने पीछे से, और ये पीछे से इन्होंने कवर स्कूल बॉय कर दिया है, और ये बैलेंस बिगड़ गया इनका पूरा, इतने मूव्स के निहारे बट बैलेंस बिगड़ गया इनकी जो टांग खींची ड्रेवन ने, और मोना ने उसी का फायदा उठाया है। और यहाँ पीछे देखना चाहिए मोना आपके, ड्रेवन किसी के सगे नहीं है, और अभी तो उन्होंने आपकी पिन लेने में मदद करी, अब ये देखिए आपको कैसे असॉल्ट कर रहे हैं, ये देखिए ड्रेवन को। ड्रेवन जो है यहाँ पर न्यूएस्ट मेंबर हैं, अगर मैं इस मैच की बात करूं, हमने ड्रेवन को सबसे बाद में देखा है यहाँ पर मैचेस करते हुए, बट सबसे खतरनाक रेसलर इस रिंग के अंदर ड्रेवन है, और यहाँ पर बॉडी स्लैम करके पिन करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत इजी तरीके से मोना को, बट उनका टैग टीम जो पार्टनर है स्काइलर, वो एक भूखे भेड़िए की तरह इंतजार कर रहे हैं, आते ही धुलाई कर देगा ड्रेवन की। बट डीमैन अंदर आ गए हैं, पंचेस लगा रहे हैं मोना को,
और अब देखना होगा कि क्या करते हैं यहाँ पर। डीमन ने चौक स्लैम के लिए उठा लिया है यहाँ पर। ओ माय गॉड, बहुत ही ऊंची तरीके से उछाल के एक चौक स्लैम कर दिया है मोना को, और मुझे लगता है मोना का गेम जो है खत्म हो चुका है। बट दो ही पिनफॉल, दो ही काउंट हुए, ब्रेक कर दिया मोना ने, बिकॉज मोना इज स्ट्रॉन्गेस्ट रेसलर हियर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस। ओ यहाँ पर देखिए रिवर्स कर दिया है यहाँ पर। ओ डीमन क्लोज लाइन लेने आ रहे थे बट ये टैग दे दिया है यहाँ पर स्काइलर को। स्काइलर मैं बोल रहा था बहुत देर से बेकरार थे धुलाई करने के लिए, और आते ही रगड़ दिया है, सुप्लेक्स कर दिया है, डीमन की बत्ती गुल कर दी है यहाँ पर। और ड्रेवन को दिन में तारे दिखाएंगे ये यहाँ पर, और ये डबल, ओ माय गुडनेस, डबल स्टनर दे दिया है, रोप का सहारा दे गए, क्लासिक लेजेंडरी। और जितने भी शब्द बोलूं बहुत कम है यहाँ पर, दोनों लोगों को लपेट दिया है यहाँ पर, और स्विंग करके अब क्रॉस बॉडी कर दिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और यहाँ पर देखिए कितनी स्पीड दिखा रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही जबरदस्त स्पीड भी दिखा रहे हैं, टेक्निकलिटी भी दिखा रहे हैं। बट ये देखिए जस्टिन फ्रिक रिंग के अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर क्योंकि उनको टैग मिल चुका था, और यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो जो स्काइलर ने करा था वो अब ये दिखा रहे हैं। और ये देखिए मारने की कोशिश कर रहे हैं बट गिर गए हैं, बट तब भी अपना कंट्रोल संभाल लिया है। यहाँ पर सुप्लेक्स कर रहे हैं, और सुप्लेक्स नहीं, फैल्कन एरो सुप्लेक्स मारा है इन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और यहाँ पर जस्टिन फ्रिक जो हैं अभी अपने चाह रहे होंगे कि ये बैट रिटेन करे, पूरी जान लगाते हैं इस मैच के अंदर। ये देखिए स्पीडी ने भी बाहर कर दिया है, रोप पर थ्रो करा जस्टिन फ्रिक ने। ओ यहाँ पर स्टनर दे दिया है बहुत खतरनाक तरीके से, और यहाँ पर पिनफॉल के लिए पिनफॉल हो गई। ओ माय गुडनेस, हमारे टैग टीम चैंपियन ये मैच हार चुके हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर हमको मिलेगा न्यू चैंपियन देखने को, ये तो कंफर्म हो चुका है, क्योंकि जस्टिन फ्रिक जो है लीगल थे, ड्रेवन लीगल थे। और यहाँ पर देखिए फिर से एक पिनफॉल और लेने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, रस्सी का सहारा लेके। पहले तो उन्होंने मूव लगा के स्टनर लगा के कर दिया, बट अब यहाँ पर बहुत दुखद चीज है ये कि हमारे टैग टीम चैंपियंस आज मैच हार गए हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा न्यू टैग टीम चैंपियन, दैट कुड बी टीम ऑफ स्काइलर एंड मोना और ड्रेवन एंड टीमैन, एंड नाउ मैच इज इन द हैंड ऑफ स्काइलर, द लिमिट ब्रेकर स्काइलर, हु इज ब्रेकिंग द लिमिट्स एंड द नेक बाय गिविंग जर्मन सुप्लेक्स टू बोथ ऑफ द teammates of team driven. Oh my goodness, a beautiful move by D-Man, and he has delivered a beautiful move. I thought it might end this match, but Skylar is still in the match. It is totally unbelievable, because Mona pehle se hi down hai, main socha aur ye dekhiye kya kar rahe hain. Aur yahan pe oh my goodness, udhar ref वहां पर बकल्स का देखिए आप कवर हटा दिया, यहाँ पर रेफरी को उलझा दिया बाहर, जो बेल है रिंग बेल है वो मोना के मारी, अब रिंग में यहाँ पर स्काइलर के बेल मारती है, और रेफरी कुछ नहीं देख रहे हैं, वो बकल सेट करने में लगे हुए हैं यहाँ पर। बहुत ही ज्यादा इन्होंने खतरनाक रेड, ओ माई गुडनेस, यहाँ पर एक शानदार टीम मूव जो कि पहले से ये प्रिपेयर करके आए थे, डीमैन ने ऊपर उछाला और ड्रेवन ने एक नेक कटर डिलीवर करा रोप पे स्विंग लेके, और अनबिलीवेबली यहाँ पर बहुत दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि यहाँ पर चैंपियन ऐसी टीम बनी है जिन्होंने मैच में काफी क्लोज आने के बाद, सही से खेलने के बाद भी चीटिंग का सहारा लिया और बैल मार के रेफरी को भटका के आज टैग टीम चैंपियन बन गए हैं। और यहाँ पर डीमैन देखिए दो दो टाइटल होल्ड कर रहे हैं,
हार्डकोर चैंपियन और टैग टीम चैंपियनशिप पहले ये रसल स्क्वायर के डबल चैंपियन बने हैं बाय हुक और बाय द क्रुक, बट दे आर योर न्यू टैग टीम चैंपियन एंड टुनाइट दे हैव क्रिएटेड द हिस्ट्री. दे बिकेम द टैग टीम चैंपियंस एंड डी मैन बिकेम द डबल चैंपियन राइट हेयर. लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर सीइंग द हिस्ट्री of Indian professional wrestling and G-Man is going to defend the hardcore championship in Thailand and we are going to see you next time. Thank you for being with us. Goodbye.